हरियाणा के डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा पर हुए हमले का मामला अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमले के बाद पहले पुलिस ने 5 किसानों की गिरफ्तारी की, तो वहीं अब रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने एक सुर में कहा कि 17 जुलाई को एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। किसानों के घेराव को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस का कहना है कि किसी को कानून व्यवस्था बिगाड़ने नहीं दी जाएगी, अगर कोई माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कल हमारा जो यहाँ पे घेराव होगा, बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे ट्रैक्टर ट्रालियों से, संयुक्त मोर्चे के लीडर भी यहाँ पे कल पहुँचेंगे, और जब तक हमारे साथियों को ये रिहा नहीं कर देते तब तक हम एसपी ऑफिस का घेराव जारी रखेंगे। अभी वो तय नहीं हुआ, मीटिंग हो रही है, संयुक्त मोर्चे के लीडर आएंगे, वो शाम तक पता चल जाएगा किसकी यहाँ पे ड्यूटी लगती है, क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर भी आंदोलन चल रहा है और 22 तारीख से संसद का हमने घेराव भी करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ ड्यूटियाँ लगेगी लीडरों की, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा। जब तक ये रिहाई नहीं होगी तब तक लगातार यहाँ पे संयुक्त मोर्चे से लीडर आते रहेंगे। ये इनके पास फुटेज है, हम भी कह रहे हैं वो फुटेज जारी करेंगे, वो दिखाएं फुटेज का है, जबकि आप यहाँ पे मीडिया उस दिन सारा था वहाँ पे, और जो यूनिवर्सिटी का गेट है उसके ऊपर भी सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं, तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें साफ आ रही है, मीडिया के कैमरों के अंदर साफ आ रहा है कि कौन वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहा है, कौन काले झंडे दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर इनके पास ऐसी फुटेज है तो ये जारी करनी चाहिए इनको। ये कैसे जाके घरों के अंदर दबिश देके इस तरीके से कर रहे हैं और वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देशद्रोही वाला कौन सा मुकदमा बनता है, ये भी बता दें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया और सरकार को फटकार लगाई है कि आप भी ये करते रहोगे जो अंग्रेज करते रहे थे, अंग्रेजों ने भी जो यहाँ के नेताओं के ऊपर जो है इस तरीके के देशद्रोही के धारा लगा कर वो करना चाह रहे थे, वही काम ये कर रहे हैं। तो ये देश है, लोकतंत्र है, सबका राइट है यहाँ पे एजिटेशन करना, आंदोलन करना, अपनी आवाज़ को उठाना, किसी की आवाज़ को दबाने के लिए ये जो है कानून का मिस यूज कर रहे हैं। सुरक्षा के प्रबंध पूरे हैं, किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना ही बिगाड़ने दी जाएगी, किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि भाई वो बिगाड़े, कोई करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मौके पे ही की जाए। किसानों ने अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस हमारे साथियों को रिहा नहीं करेगी तब तक हम एसपी कार्यालय पर बैठे रहेंगे। तो वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। पुलिस की माने तो किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, अगर कोई माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।